हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग जानते हैं कि एज अ लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग अस, हम ह्यूमंस की बात करें, जानवरों की बात करें, इवन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो है कि ब्रीद कर पाने की क्षमता रखना, है ना। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सांस हमारे लिए कैसे जरूरी है, या सांस जो हम बोल रहे हैं, ब्रीदिंग हम बोल रहे हैं, ये क्या है और ये कैसे हमें हेल्प करती है कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। इस चैप्टर में जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसमें हम जानेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है और कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे हम एनवायरनमेंट से एक पर्टिकुलर गैस को इनटेक करते हैं और हमारे बॉडी में जनरेट होने वाले बाय प्रोडक्ट के रूप में जो गैस बनता है, कैसे हम इसको एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल एंड दी एनवायरनमेंट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज है कि ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और इस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए। किसको? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के लिए। तो जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें बेसिकली जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस न्यूट्रिएंट को इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ताकि इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी जनरेट होगा, इस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। अब इस कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान क्या हो रहा है, एक और गैस है जो हमारे बॉडी या हमारे सेल्स में बेसिकली जनरेट होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए एज अ बाई प्रोडक्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में जनरेट होता है, तो इसे क्या करने की जरूरत है, इसे हमें बॉडी से रिलीज आउट करने की जरूरत है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होना चाहिए, या हमारे सेल्स को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट सेल्स में जनरेट हो रहा है, तो इसको भी कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी से रिलीज आउट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दो प्रोसेस देख रहे हैं, या दो काम यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या एक कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कंटिन्यूअस गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हो रहा है ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, दैट इज वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यही प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या कहेंगे, या तो हम इसको ब्रीदिंग बोल सकते हैं या हम इसको रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल सामने आता है कि इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में या इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हम उन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना चाहेंगे जो कि इस प्रोसेस में हमारी सहायता करते हैं। तो हम यहाँ पर आगे अब देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस मैकेनिज्म के थ्रू इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं एनर्जी जनरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि पूरे ग्लोब में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। अब हर एनिमल के लिए एंटायर ग्लोब में जो एनवायरनमेंट है वो एक समान नहीं है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें और साउथ पोल की बात करें, तो टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है, प्लस जो हैबिटेट है वो भी बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। जमीन आसमान का अंतर है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ये बहुत ज़्यादा वैरी करेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। और ये किस पर डिपेंड करेगा मेनली? ये डिपेंड करेगा हैबिटेट पर, प्लस
प्लस यहां पर हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म उसमें उतना ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड होगा। जितना ज्यादा अंडर डेवलप्ड कोई ऑर्गेनिज्म होगा या उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होगी, तो उसमें हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को भी बहुत ही ज्यादा सिंपल देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर बात करें तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैट वर्म्स, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हद तक कम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। इनके एंटायर बॉडी सरफेस से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से बाहर चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा देते हैं, लाइक अर्थवर्म्स में अगर हम देख लें, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अर्थवर्म के जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाया जाता है, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। तो ये इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं, इन ट्रैकियल ट्यूब्स की मदद से क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एटमोस्फेयरिक एयर को विद इन देयर बॉडी, और जो भी एज अ बाई प्रोडक्ट गैस फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक्सपेल आउट कर रहे हैं बॉडी से। फिर अगर हम लोग एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स की बात करें, मॉलस्क्स की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनमें भी हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्रीदिंग के लिए, और अगर मोलस्क्स की बात करें तो इनमें भी हम क्या देखते हैं, गिल लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद फिर अगर हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स की अगर बात करें, जो ज्यादातर लैंड में पाए जाते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस अगर हम वर्टिब्रेट फिशेस की अगर हम बात करें तो ये भी क्या, गिल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें या मैमल्स की बात करें, तो ये क्या यूज करते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली लंग्स पर डिपेंड करते हैं ब्रीदिंग के लिए। यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन की बात करेंगे, एक एम्फीबियन की बात करेंगे, लाइक फ्रॉग। फ्रॉग एक हमारा एक्सेप्शन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक लाइफस्टाइल को जीता है। अगर इसका जी करे तो ये लैंड में है, अगर इसका जी करे तो पानी में है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शेल्टर हम बोल सकते हैं, इससे अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए ये दोनों फॉर्म्स में रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो पानी में अगर है तो पानी में भी तो उसको ब्रीद करना है, लैंड में है तो लैंड में भी तो उसको ब्रीद करना है। तो यहाँ पर इसके पास दो पॉसिबल सिस्टम है ब्रीदिंग के लिए। जब ये पानी में है तो ये अपने मॉइस्ट स्किन को यूज करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, लेकिन अगर ये लैंड में है तो इसके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो मदद करता है इसको ब्रीद करने के लिए। तो यहां तक तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होनी है उसके पास, ताकि वो किसी भी हैबिटेट में प्रेजेंट हो, किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, तो उस पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट को सूट करता हुआ एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म उसके पास होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग अपनी बात करें, यानी कि ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड है, प्लस क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है जो इस एंटायर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को पूरा करने में मदद करते हैं, ये अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना शुरू करते हैं तो सबसे शुरुआत में ही हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग होता है, और ये ओपनिंग अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है, ये हेल्प करेगा कि एनवायरमेंट में जो एयर या गैस प्रेजेंट है,
ये इसके थ्रू हम टेक इन करके इसको आगे पैसेज में पहुंचाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये लीड करता है इनटू नेजल चेम्बर, और नेजल चेम्बर में ये नेजल पैसेज के थ्रू होता हुआ पहुंचता है। इस नेजल चेम्बर की अगर हम बात करें तो ये ओपन करता है इनटू नेजोफेरिंक्स। अब ये नेजोफेरिंक्स क्या है, ये फेरिंग्स का एक पोर्शन है, और इस जगह पे हम नेजोफेरिंग्स को क्या कहेंगे कि ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। सिर्फ ये ही एक वो पोर्शन है जहाँ पे फूड और एयर एक साथ पास ऑन होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो नेजोफेरिंग्स है ये ओपन करता है इनटू लैरिंग्स रीजन, और लैरिंग्स रीजन से होते हुए ये ट्रैकिया में पहुंच जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो नेजोफेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नेजोफेरिंग्स को लैरिंग्स रीजन से होते हुए अगर ट्रैकिया तक पहुंचना है तो इसको एक ओपनिंग के थ्रू पास होना है, और वो ओपनिंग क्या है, ग्लॉटिस है। इस ग्लॉटिस के माध्यम से ही नेजोफेरिंग्स लैरिंग्स रीजन से होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचता है। अब ये जो लैरिंग्स रीजन मैं कह रही हूँ, ये लैरिंग्स क्या है, ये एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है, और क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है इसलिए लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम फूड स्वॉलो करते हैं तो ये जो ग्लॉटिस है अगर ये कवर ना हो तो क्या हो सकता है कि जो खाना है वो हमारे ट्रैकियल रीजन में जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि खाना को विंड पाइप में हमें नहीं, ट्राकिया में नहीं जाने देना है, हमें उसे ईसोफेगस में पास ऑन होने के लिए रास्ता देना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी खाना स्वालो किया जाता है तो ये ग्लॉटिस के ऊपर एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक कार्टिलेजनस ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस हर स्वॉलोइंग के समय पर ग्लॉटिस को क्या करेगा, कवर करेगा, और कवर करने से क्या होगा, ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करेगा इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स में खाना आने से रोक देगा। फिर आगे जब हम ट्राकिया की बात करें तो ये ट्राकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड करता है अप टू मिड थोरासिक कैविटी। मिड थोरासिक कैविटी तक ये एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह होता है, और फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो हमारे पास राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है। उसके बाद भी हम लोग क्या देखते हैं कि फर्दर डिवीजन हो ही रहा है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। तो हर ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करें या राइट प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करें, इसमें फर्दर रिपीटेड डिविजन्स देखने को मिलता है, और फर्दर ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, और फाइनली ये एंड अप करेगा किसमें, ब्रोंकियोल्स बनाते हुए ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाता है। यानी कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई से शुरू होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकियोल्स बनाता है, एंड देन फाइनली टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाकर ये एंड अप करता है। अब जब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैकिया की, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई की, इनिशियल ब्रोंकियोल्स की, तो इन सब को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। तो इनको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब आगे हम देखते हैं कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर गिव राइज करते हैं टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेग्युलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं इनको क्या बनाना है, इनको एल्वियोलाई फॉर्म करना है। तो यहां पर हम सिर्फ एक ही
कंपोनेंट का यहाँ पे मेजर रोल नहीं देखते, यहाँ पे सारे के सारे एक सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये सारे के सारे कंप्राइज करेंगे क्या, ये कलेक्टिवली फॉर्म करेंगे लंग्स को। यानी कि लंग्स क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ एक चीज से नहीं हम बोल सकते हैं कि कंप्राइज्ड है, यहाँ पे सारी चीजें एक साथ मिलकर एक ऑर्गन को डेवलप कर रहे हैं जो कि क्या है, लंग्स।